नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो है समाज सेवी कुमार नारायण जी हैं, जो कैश नेता हैं, केपी ट्रस्ट के पूर्व महासचिव भी रहे हैं और इलाहाबाद नगर निगम का चुनाव भी पहले लड़ चुके हैं। बहुत आयामी प्रतिभा के धनी कुमार नारायण जी केपी ट्रस्ट से आजकल सीधी टक्कर ले रहे हैं। पहले अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी थे अभी हाल में, लेकिन जो है कार्यकारिणी से हुए कुछ विवाद की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यही नहीं रुके कुमार नारायण, इन्होंने जो है वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर सुशील सिन्हा के जो है खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया। हालांकि डॉक्टर सुशील सिन्हा ने क्या किया और कैसे अविश्वास प्रस्ताव का क्या माजरा है, मैं इस पर भी आज कुमार नारायण जी से बात करूंगा। देर ना करते हुए मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगा, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइट हूँ। आज जो है मैं तमाम गुप्त बातें बताऊंगा आपको, जो आप अभी तक नहीं जानते हैं, और कुमार नारायण जी से बातचीत करता हूँ। चलिए चालू कर। कुमार जी, सबसे पहले आपका हमारे टॉक शो में एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि हम लोग बहुत पुराने एक दूसरे को जानने वाले में से हैं, अच्छा आप बताइए नेता जी, जब आपने करियर शुरू किया तब से हम लोग एक बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल आपका बड़ा मदद है मेरी लाइफ में। मैं कहीं कहीं कहता भी हूँ लोगों से, मदद हमने कोई नहीं किया सर। भले मैं कहीं कहीं कहता हूँ कि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कुमार नारायण जी थे और दुर्गा प्रसाद गुप्ता, दो लोगों का नाम लेता हूँ। कहानी है, बाद में आप कहिए, बाद में उस पर बताऊंगा। अच्छा ये बताइए कुमार जी, डॉक्टर सुशील सिन्हा आपके सहपाठी रहे, फिर आखिर आप लोग मित्र रहे, हो सकता है कॉलेज के दिनों में एक टिफिन में लोग खाए भी हो, तो आखिर काहे डॉक्टर सिन्हा पीछे पड़े हैं? देखिए, ये सवाल आपका जो है कई दिन से इस पर जवाब हम देते आए हैं। अच्छा, मेरे मित्र भी हैं, पारिवारिक संबंध भी हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन समय के हिसाब से जब आदमी बदल जाए तो स्थितियां बदल जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। कैश पाठशाला में तन मन धन से इनको लग के हमने टीपी सिंह साहब ने अध्यक्ष बनवाया। और ये सच्चाई है कि कैश पाठशाला में जो सदस्य बने हुए हैं उसमें इनके एक भी सदस्य बनाए हुए नहीं हैं। टीपी सिंह साहब के थे, हमारे थे, और हम लोग काफी लोग थे। आपने मेहनत करके मेहनत किया आया ये 2024 में जी, लेकिन वही कुमार नारायण है जो 2019 में अपने सहपाठी के खिलाफ अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़े थे। हाँ, तो समय तो दूसरे नंबर पर आए, तो आपको लग गया कि दूसरे नंबर पे नहीं आए वो। वो दरअसल लड़ना किसी और को था, लेकिन आखिरी के 40 दिन पहले ये तय हुआ कुमार नारायण, मुझे लड़ना था, टीपी सिंह को था, और 40 दिन पहले लड़े और वो 5 साल से लड़ रहे थे। उसके बाद वो 80 वोट हमसे ज्यादा पाए तो कौन बहुत बड़ी चीज पाए, ठीक है, दूसरे स्थान पर वो अपनी जगह खुश रहे। मेरा कुल मिला के ये मतलब था कि क्या जो है सुशील सिन्हा के खिलाफ कुमार नारायण इतना जो हाथ धोके पड़े हैं, पर्सनल इंटरेस्ट क्या है? अगर सुशील सिन्हा अध्यक्ष पद से, मेरी बात सुन लीजिए, मुझसे देख के मेरी आंखों में बात करिए, मेरा मतलब ये है कि जैसे मान लिया सुशील सिन्हा अध्यक्ष पद से हट जाते हैं तो कुमार नारायण अध्यक्ष बनेंगे। देखिए, पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे जी सर, जो आपने पहला प्रश्न किया था कि क्या विवाद। हाँ, विवाद बता दीजिए, ठीक, सुनिएगा बीच में, बीच में बोलिएगा ना, बोलेंगे ना बोलेंगे। विवाद कुल मिला के ये है कि जब सुशील सिन्हा को ये दिखने लगा कि कुमार नारायण का ओरा बहुत बड़ा है, और वास्तव में मैं 32 साल से कैश पाठशाला की राजनीति में हूँ, ये भी 12-10 साल से आए हैं, बहुत सीनियर इनका मैं हूँ, और राजनीति में भी मैं इनसे बहुत सीनियर हूँ। तो ये कुछ लोगों के कहने पे इनको लगा कि कुमार नारायण जहाँ जाते हैं ज्यादा स्वागत सम्मान मिलता है, और मैं अध्यक्ष बनने के बाद भी वो चीज नहीं पा रहा हूँ, नहीं पा रहा हूँ, और ना ही मेरी पर्सनालिटी है। दूसरी चीज उनको ये दिखा कि जहां भी कुमार नारायण, चाहे कॉलेजेस की बात हो चाहे समाज में हो, वहां पर इसकी छवि एक अलग है। मैं इस पर नहीं बता रहा, पहले सुनिए बात, मैं सुनूंगा, पूरा सुनूंगा, इस पर एक टोकूंगा। बिल्कुल, आखिर क्या वजह रही कुमार नारायण एक बार मेयर का चुनाव लड़े हैं बस, या तो केपी ट्रस्ट का चुनाव लड़े, लेकिन कुमार नारायण कि जो वो है वो आज भी इलाहाबाद में सब लोग कुमार नारायण को जानते हैं। देखिए, जब मेयर का चुनाव मैंने लड़ा था
वो मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे सिंबल नहीं मिला, फिर भी इलाहाबाद की जनता ने हमको उस समय 45,000 वोट लगभग दिया हर इलेक्शन, सिंबल हर इलेक्शन में कुमार नारायण चर्चा में रहते हैं। दूसरा इलेक्शन में उसके बाद जब आया हूँ लड़ने तो वो था केपी ट्रस्ट का, जो 18 में लड़ा मैंने, उसमें 40 दिन का मैंने चुनाव, अभी मैं चुनाव लड़ा ही कहा हूँ ठीक से, अभी तो मैं सिर्फ तब भी आप ये सोच रहे थे कि डॉक्टर सिन्हा जो है डॉक्टरी करेंगे हम चलाएंगे केपी ट्रस्ट, तो हो नहीं पाया। उसके बाद जो देखने को मिला हमें कि ना इनके पास कोई विजन है ना कार्य क्षमता है और ना ही कोई निर्णय ले सकते हैं ये, और जो सबसे बड़ी चीज है कि एक संवैधानिक इतने बड़े पद पर बैठने के बाद डर कर काम नहीं होता, नहीं बिल्कुल नहीं, और किसी के गोद में बैठकर काम नहीं होता। अच्छा वो किसके तरफ इशारा है? तो ये शख्स जो है हर एंगल से फेल हो गया, जब फेल हो गया तो इसको जो लोगों ने समझाया कि कुमार नारायण को पीछे करो, तो इन्होंने षड्यंत्र के तहत इन्होंने नेम प्लेट के साथ जो मेरे खिलवाड़ कराया वो कहानी इन्हीं के इशारे पर हुआ। अच्छा सिन्हा जी के? जी हाँ बिल्कुल, अब चीजें खुल रही है ना, जब लोगों को समझ में आने लग गया कि अब इनकी सत्ता सरकार जाने वाली है तो बहुत चीजें सामने आई हैं। चलिए विवाद तो मेरे समझ में आ गया, उनको लगा कि जो है मतलब ये कुमार नारायण जो है ज्यादा प्रभावी होते जा रहे हैं, हो रहे हैं, तो इन्होंने ये खेल कराया। इस दौरान अब कई चीजें सामने आई, कुछ सीएमपी का प्रकरण था, कुछ केपी का प्रकरण था, कुछ मेले का प्रकरण, सारी चीज ये अपने उससे जो है मुझे डिफेम करने के लिए करते थे ताकि हमारा औरा गिरे। अच्छा? लेकिन दुर्भाग्य रहा कि गिरा नहीं पाए, जब नहीं गिरा पाए बोलिएगा मत ठीक है बताएं, जब नहीं गिरा पाए तो इन्होंने क्या किया कि कहा कि अब ये नेम प्लेट इनकी लगी इसको हटवाओ, इनके ही इशारे पे वो नेम प्लेट हटाई गई। मैं शांत बैठा था, मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि भाई इस पे कोई कार्रवाई कर दो। इन्होंने कार्रवाई नहीं की, मैं तब भी शांत बैठा था। कुछ दिन बाद जानकारी मिली कि जिसने ये सरकत को किया था उसको आपने सीएमपी का साइकिल स्टैंड तोहफे के रूप में दे दिया, तब भी मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, शांत बैठा हूं। जब उनको यहां तक नहीं बर्दाश्त हुआ, कहा ये तो बड़ा यार विचित्र जीव है, कहीं रिएक्ट ही नहीं करता, तो इसने कहा इसको हटा ही दो तो शायद रिएक्ट करे, तो इसने फाइनली मुझको पद से मुक्त कर दिया। और जब पद से मुक्त कर दिया था पीछे पड़ गए, तब भाई कोई भी होगा चाहे मेरा रिश्तेदार होगा चाहे मेरा साथ पड़ा होगा, तो जब तुम इस तरह की हरकतें कर सकते हो तो कुमार नारायण चूड़ी पहन के बैठे हैं। पर्सनल दुश्मनी मुझसे निभा रहा था, और इसलिए निभा रहा था कि ये कैश पाठशाला में सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के चंगुल में फंस गया, और जानता था कि टीपी सिंह साहब कुमार नारायण चूंकि ये कैश पाठशाला के बता रहा हूँ ये लोग कैश पाठशाला के इतिहास से जुड़े हुए हैं। हमारे मैं जिनका प्रपोत्र मुंशी राम प्रसाद जी, उधर मुंशी हनंदन प्रसाद जी टीपी सिंह साहब का बिल्कुल, तो और इसका तो कोई नाता रिश्ता नहीं है। अरे तो इसको नहीं सुनिए मेरी बात, खुल के कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, इसको कोई लगाव नहीं था ट्रस्ट से, न कोई इसको लेना लादना था, ये सिर्फ बना दिया गया, तो इसने सोचा कि अब तो सुरा मिल गया है चलाओ इधर सुधर। तो डॉक्टर साहब आप नहीं देखो, सॉरी कुमार जी आप नहीं देखते, डॉक्टर साहब ने ये सोचा होगा कि भविष्य में यही हमारे लिए खतरा बन जाएंगे, तो बस किया, ये तो राजनीति, ये वादे जितने वादे किया मैं कहता हूँ मर्द आदमी होना चाहिए। नहीं आपने बहुत बढ़िया सवाल किया, मैं मर्दानगी की बात करता हूँ, एक मिनट, नहीं बिल्कुल करता हूँ, नहीं जब ये समझौता हमारा मैं भी लड़ने जा रहा था, समझौता हुआ, टीपी सिंह साहब गवाह है कि आप महामंत्री बनाएंगे, वो मुकर गया, उसके बाद इसने कहा था कि मैं 6 महीना तुमको अध्यक्ष पद का कार्यभार दूंगा, वहां मुकर गया, बार बार कहता था एक दिन नहीं दूंगा, उसके बाद अगला चुनाव लड़ने की बात इसने वादा किया था, वहां भी ये मुकर गया। इस आदमी की जवान की कीमत ना हो सर, आप सम्मान नहीं होना चाहिए, और ये सबके साथ यही हरकत करता है। अच्छा आप हमें ये बताइए, अभी तो 5 साल का समय था, 6 महीने बाद, तब बहरहाल आप लोगों का क्या भी बात है, ये सार्वजनिक हुआ, ये बहुत दुखद नहीं है कास्ट पाठशाला के लिए? और जो आदमी गंदा है उसको हमेशा, और आज दशहरे के मौके पर आए हैं, नहीं दशहरे के मौके पर आए, इतने बढ़िया मौके पर आप आए हैं, दशहरा क्या सीख देता है? हाँ कि बुराई पर अच्छाई की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी,
जो आदमी बुरा है तो अपने अनुसार हुआ ना। अब डॉक्टर साहब के अनुसार आपके लिए वो लगा दे मेरे ऊपर एक भी आरोप, मैं तो लगा रहा हूँ खुल के आरोप, मैं तो खुल के आरोप लगा रहा हूँ। रोज ग्रुप में पढ़िए क्या क्या हो रहा है काज पाठशाला में, क्या उनके बस का है चलाना, नहीं चला पा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, विजन की आपने बात किया जी, कि डॉक्टर सिन्हा जी के पास कोई विजन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उनके ही विजन को तो आगे रख के आप लोगों ने चुनाव जिताया था, चाहे वो यूनिवर्सिटी का विजन रहा हो, चाहे वो अस्पताल का विजन रहा हो, चाहे वो धर्मशाला का विजन रहा हो। देखिए जब आदमी केला खरीदता है या फल खरीदता है, विजन रहा हो, फल खरीदता है बाहर देखता है बड़ा अच्छा है, अच्छा है, लेकिन अंदर सड़ा निकल जाए तो क्या करता है, फेंक देता है। तो उस समय हर उदाहरण हर जगह नहीं लागू होता, नहीं लागू होता, बिल्कुल सही ना हम कह रहे हैं। आप ये बताइए, आप ऊपर से बढ़िया दिखाता उस समय, आप 20 तारीख को जी, आप 20 तारीख को जो है ये गवर्निंग काउंसिल की बैठक बुला लिया विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए, जबकि उसके पहले जी 15 तारीख को जो है डॉक्टर सिन्हा ने बैठक बुलाई थी। सुन लीजिए बात को, हमारे सुन रहे हैं, और उसमें जो है 40 नंबर अनुच्छेद को, जो आपकी 40 नंबर नियम है रेगुलेशन है अविश्वास से संबंधित, उसको रद्द कर दिया गया था। उसके जवाब में आपको जो है वो उन्होंने लिखा, महासचिव ने जो है केपी ट्रस्ट के लिखा कि आप क्यों परेशान है, स्टैंडिंग कमेटी को चली गई है, और रूल में भी है कि स्टैंडिंग कमेटी को अगर कोई चीज चली जाती है, जब तक स्टैंडिंग कमेटी की रूल नहीं वो नहीं आएगा तब तक नहीं होगा, और आपने क्या किया 20 तारीख को बैठक बुला ली। किस हिसाब से? मुझे पूरा विश्वास है कि हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, ये मेरा वजन आप काट देंगे, नहीं काट देंगे, इतने वरिष्ठ आप पत्रकार हो के इस तरह की बात न कीजिए। मैंने आप रूल्स की कॉपी भेजी है, माफ कीजिएगा, मैंने रूल्स की कॉपी भेजी है, रूल्स में स्पष्ट जो लिखा है उसको पढ़िए पहले। सेलेक्ट कमेटी बनाई जाती है फिर रूल्स में परिवर्तन होता है, पहले परिवर्तन होकर सेलेक्ट कमेटी नहीं बनाई जाती, नंबर एक। बिल्कुल। नंबर दो, उस दिन तो एक चीज और पास हुई थी, शायद आपको जानकारी नहीं है, हो सकता है वहाँ ये पास हुआ था कि कायस पाठशाला का जो वर्तमान अध्यक्ष है वो टिल डेथ अध्यक्ष रहेगा, कोई हटा नहीं सकता उसको। नहीं, इसकी रिपोर्ट नहीं है भाई साहब, आपको नहीं मालूम है? एक बार जो हो गया वो टिल डेथ रहेगा, उसने पास कराया उस दिन, क्योंकि उनको और उनके सलाहकारों को कायस पाठशाला के नियम और कानून नहीं मालूम है, उनको ये लगता है कि कायस पाठशाला उनके बाप की संपत्ति है। नहीं, ये तो असंवैधानिक है ना, टिल असंवैधानिक आदमी बन गया, आपने अभी बात कर दी, असंवैधानिक तो ये भी है, लेकिन ये खबर है नियम आप जो है बदल देंगे क्या बिना नियम के हिसाब से? मैंने तो रूल्स और उसकी सब चीज दिया है, एक बायलॉज दिया है, सब कुछ दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता थे टीपी सिंह साहब जी, वरिष्ठ अधिवक्ता मतलब बहुत बढ़िया अधिवक्ता है कोटली जी जी, ये लोग भी अधिवक्ता थे जी, और आप भी जो है आप कहते हैं कि न खाता न बही, जो केपी ट्रस्ट का अध्यक्ष कहे वो सही, तो आज की तारीख में ये रूल सिन्हा जी के ऊपर लागू होता है। अरे खाता न बही तो तुम खर्चा पर्चा जो कर रहे हो करो, लेकिन तुम नियम और कानून से खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये काम ये संस्था मुंशी काली प्रसाद जी के दान से बनी हुई है, इसमें बहुत लोगों का योगदान है, आप अपने मन से नहीं चला लेंगे। 20 तारीख को जो बैठक बुलाए हैं वो सफल हो जाएगी, 500% होगी, 500%, 5000 लोग हमारे आ रहे हैं इसमें। अच्छा, और जहां कायस पाठशाला में टीपी सिंह साहब और चौधरी परिवार कुमार नारायण एक होगा, वहां इनके पास दम है, इकट्ठा कर लेंगे लोगों को दिखा। और वैसे भी इन्होंने जब से कारोबार चला सिर्फ थूथू हो रही है इनकी, क्या बात आप कर रहे हैं मुझसे? उन्होंने तो विधायक निधि से रास्ते बनवाए, बहुत बड़ा काम कर लिया क्या? और उन्होंने नगर निगम के निधि से तो मैंने भी सड़क बनवाई अपनी, ये तो कौन सा बड़ा काम है? और उन्होंने जो बकाया था उन पैसों को भी जमा, बकाया कोई नहीं जमा कराया, फर्जी बात है। अब डायग्नोसिस सेंटर बन के लगभग तैयार हो गया है, का क्या होगा जरा मुझे बताएंगे आप? आप भी पढ़े लिखे, फिर मैंने कहा बहुत गंदी बात करता हूँ मैं, जांच होगी अगर कोई भाई, एक चीज आप सुन लीजिए, खुद भी जानते हैं डायग्नोसिस सेंटर किस तरह चलता है, बहुत खुल के नहीं बोलूंगा, एक नंबर में क्या चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे, और जो डॉक्टर कहेगा कि फलाने जगह जाके टेस्ट कराओ, मैं वहीं का मानता हूँ, कौन आपके यहाँ आके करेगा? पैसा सिर्फ बर्बाद कर रहे, क्योंकि चुनाव से पहले चौधरी परिवार ने जो 7-8 करोड़ रुपए का इस पाठशाला में छोड़ दिया है, उसका ये जिस तरह से चाहे उपयोग कर लें, सिर्फ सत्यानाश कर रहे हैं। यही काम एक बढ़िया प्रोफेशनल कॉलेज खोलने के लिए कर देते हैं, तो बहुत कुछ होता है। वो वहां लखनऊ में तो उद्घाटन, हवा में जमीन अभी बहुत दूर है, कहाँ है आप, कहाँ हवा में बात कर रहे हो भैया, फीता काटना उद्घाटन करना तो लाइए, अभी हम यही लगवाता हूँ, दो जो कहिए काट देता हूँ, उसमें कौन सी बहुत बड़ी चीज है, फीता काटना तो अभी कहिए। ये अच्छा एक बात बताइए, चलिए मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बिल्कुल मेरे अध्यक्ष नहीं बनेंगे अगर सुशील सिन्हा हटते हैं तो, ये देखिए इस पे अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्यों
ये आगे की बात है, अगर अभी की बात जो है मैं इसी का कह रहा हूँ, कायस्थ पाठशाला को बचाना है तो सुशील सिन्हा को हटाना है, अगर और हटाएंगे नहीं तो कायस्थ पाठशाला गर्त में चला जाएगा। सुशील सिन्हा हट जाएंगे तो अध्यक्ष कौन बनेगा? ये तो तय हो गया ना, ना 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 ना, ये बात नहीं है, गलत बात नहीं की है महासचिव को ना, अभी ये कुछ नहीं तय है। अभी हम लोग का गठबंधन हुआ है, अभी सबसे बड़ा है कायस्थ पाठशाला को बचाना है। ये इंडिया गठबंधन माना जाए कि इंडिया गठबंधन चौधरी साहब, देखिए 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 ऐसा है, टीपी सिंह साहब जी, चौधरी परिवार और हम, ये कायस्थ पाठशाला का बड़ा गठबंधन है, और दूसरी तरफ हाशिए पे हैं सब। अच्छा वहाँ कौन कौन है? हम नाम नहीं लेना चाहते, केपी श्रीवास्तव मान सकते हैं, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ कि सन निशित वर्मा जी मान सकते हैं, जो अजय श्रीवास्तव भी मान सकते हैं, ये आप बोलते रहिए, प्रवीण श्रीवास्तव भी, वो आप बोलते रहिए। ये एक बात बता दें आपको, मैं कहीं अपने फोन पर दिखाऊं, नहीं ठीक है, नहीं कि आज का ही सिर्फ विज्ञापन आना, कई ऐसे बड़े बड़े नाम मेरे पास फोन आ गया कि भाई हम आपकी तरफ हैं। अच्छा, जब नगिया डूबती है तो चूहे सबसे ज्यादा भागते हैं तेजी में, गौर कर रहे हैं तो मतलब आप कहेंगे सुशील सिन्हा के जहाज पर सब चूहे हैं? ये नहीं कह रहा हूँ, सब भागम भाग चलेगा, देखते रहिए, बस देखते रहिए, 20 तारीख बहुत दिन नहीं है आपके सामने, मैं आपको कॉन्फिडेंस है 20 तारीख को मामला पलट जाएगा 100%, कोई रोक नहीं सकता। भैया ये बताइए नहीं कैसे बदल जाएगा, कोर्ट वोट नहीं होती है क्या? अगला कोर्ट जाएगा, कोर्ट स्टे देगा का? आपको मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, मैंने आज सभी ग्रुप में कायस्थ पाठशाला की नियमावली भेजी है, हाँ, मैंने देख लिया, आपको भी भेजी है, कृपया पढ़ लीजिए सर, पढ़ने के बाद संविधान लिखा होने के बाद भी कैसे 10 साल 20 साल चलते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, आईपीसी और सीआरपीसी के ऐसे ही, अगर एक मिनट सर, टीपी सिंह की सदस्यता चली गई थी, मैं क्या कह रहा हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़े हैं, वो एक अलग इशू था और ये एक अलग इशू है, ये नियम और कानून से चीजें चल रही है और ये हटेंगे तो कोई रोक नहीं सकता है। आपने एक आरोप लगाया था कि वो बिल्डरों को जमीनें दी जा रही, बिल्डरों को जमीनें दी जा रही हैं, और उधर अभी तो आरोप हमने नहीं लगाया था, नहीं हाँ। वो कहीं आपने नहीं, हमने नहीं लगाया था, इतना पैसे का होता था पेमेंट बना, इतने पैसे मैं का क्या कह रहा हूँ कि मैंने ये नहीं दिया बिल्डरों का, हाँ ये कहा कि ये कहीं भी जमीन पे जहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जहाँ भी कब्जा हो रहा है, ये रोकने में असमर्थ है, ये मैंने कहा था। तो उन्होंने तो सीलिंग करवा दी, कहाँ करा दी, जाके देख के आइए पहले, क्या नाम है, हम कह रहे पहले देख के आइए फिर हवा में बात ना कीजिए, क्या नाम उसका, हमने कहा हवा में बात ना कीजिए, कहिए अभी 2 दिन पहले का वीडियो दिखाऊं आपको, हवा में बात मत करिए। अच्छा आगे क्या, अच्छा एक बात बताइए सिन्हा जी अगर बुलाते हैं, अरे यार कुमार रात में आज फोन करते हैं, अरे यार कुमार हम लोग साथ में पले थे, आओ मर्दे, जो समस्या वो सब सॉल्व कर ली, तो कुमार नरेंद्र का कहीं इस पे सिर्फ इतना ही मैं कहूंगा कि शायद आपको भी आज मैंने भेजा था पत्र जो उनके यहाँ से मुझे 5 तारीख को प्राप्त हुआ था, हाँ, मैंने देखा, और जो टोटल नियम विरुद्ध पत्र था जिसमें बुरा फंसे हैं, ठीक, उसका मैंने 3 पन्ने का जवाब भी दिया है, देखा, ठीक, मैंने नियम से उसका जवाब दिया है, और उसके बाद आज ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुलाने के लिए 10 दिन की पहले सूचना देना होता, वो मैंने आज दे भी दिया। ऐसी स्थिति और परिस्थिति में वो आए, ठीक, स्वागत है, लेकिन ये बता दूं कि उनके एक एक लोग, हाँ, नहीं अगर जिस दिन से मैंने उस पत्र का जवाब दिया उस दिन से इनके सबसे बड़े से लेके छोटे तक मेरे पास सर फोन भी करे हैं, आप मिले भी हैं, और यहाँ तक कहे हैं कि आप पद वापस ले लीजिए, आपको कमरा भी बना के देने वाले दे देंगे, और आप जो कहिए वो देंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कुमार नारायण डील नहीं है, डील नहीं की, अगर बिके होते तो आज ये मेरी हैसियत औकात ना होती, बिकने की नहीं है डील, मतलब बात ये है नेताजी कि आप एक समाजवादी नेता हैं, समाजवादी नेता रहे हैं, आज भाजपा में है, मैं विचारधारक बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस में भी रहकर लोग समाजवादी विचारधारक होते हैं, भाजपा में भी रहकर विचारधारक होते हैं, आप समाजवादी विचारधारक हैं, आप समझौता करने में बड़े माहिर हैं, जहाँ जो लोग देखते हैं कर लेते हैं। अच्छा बताइए समझौता क्यों नहीं करेंगे, कैसे करेंगे समझौता, किस बात का करेंगे, नहीं कह रहा हूँ,
कहीं भी अगर जरूरत पड़ती समझौता करने, मैंने समझौता नहीं किया, क्षमा करिएगा, डायलॉग से फिर बात करूंगा। आप पता नहीं क्यों, आपने शुरू में कहा है ना कि मैं इनको फंसाऊंगा आज, बता दूं मैंने बहुजन समाज पार्टी जब ज्वाइन किया था उसके बाद सपा में मुझे बुलाया गया था, तब मैं गया था, और उसके बाद जब सपा भाजपा में आया हूँ तब भी मेरे यहाँ रीता जोशी जी से लेके बड़े बड़े नेता गया था। अगर मैं खुद गया होता तब मैं कहता कि मैं समझौता करने बात कह रहा हूँ, आप उसको शब्दशः ना लीजिए। मेरा कहने का मतलब कुमार नारायण एक लचीले व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, मैं ये नहीं, मैं सही का साथ देने वाला व्यक्ति हूँ। मतलब अगर अपना अपना सिन्हा नुकसान और फायदा नहीं देखा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ देखा है डॉक्टर सिन्हा, डॉक्टर सिन्हा आपको फोन करे कि आओ कुमार हम लोग साथी रहे हैं, आओ महासचिव का पद लो, छोड़ो ये सब काज हम कर लो, कुमार नारायण का क्या स्टैंड होगा? वो तो आज तैयार है, हमारा स्टैंड ये होगा, समाज के आदमी है, आओ भाई चाय बढ़िया पिलाते हैं, कुछ नाश्ता भी कराएंगे, लेकिन अध्यक्ष ही छोड़ दो। नहीं नहीं व्यक्तिगत जो भी बातें करना कर लो, इस विषय पे कोई बात ना करो, अध्यक्ष ही छोड़ दो। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अविश्वास आएगा तो क्या होगा, ये वो सोचे है, समझदार होंगे कल, नहीं समझदार होंगे तो 20 तारीख से पहले इस्तीफा देके हट लेंगे, अपनी इज्जत बचा लेंगे। टीपी सिंह ने हमसे कहा था कि सुशील सिन्हा ने, डॉक्टर सिन्हा ने बहुत हम लोगों का सम्मान किया, उन्होंने कहा कि मुझे ये पद दिया वो पद दिया, हम कहा जाता है कि केपी टीपी सिंह जो भी लिख के दे देते थे कोई होता था वो दस्तखत खाली करते थे, कभी उन्होंने इनकार नहीं किया टीपी सिंह के किसी उस पर, चाहे किसी को नौकरी देना हो, चाहे वही कहेंगे कि हमारा आपका अभी आपने बोला ना इतने पुराने संबंध हैं, हमने भी उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन मैंने कोई एहसान नहीं किया, सब ठीक है, उसके बाद किनारे ले जाके दो लपड़ मारे आपको, उसके बाद क्या होगा, संबंधों कोई वैल्यू रह जाएगी, क्षमा चाहते हैं, यही बात वहाँ भी लागू होती है। अच्छा जैसे कि आपको क्या लगता है आगे, केपी श्रीवास्तव जी उनके साथ हैं, वो भी जो है कहा जाता है कि बीजेपी के विधायक हैं, तो और ये कोई कैश पाठशाला बीजेपी चला रही है क्या, क्या आपको लग रहा है जब से 100 रुपया सदस्यता शुल्क की बात आई है तब से जो है ये आप लोगों ने विरोध करना चालू किया है, एकदम गलत है आपका। अच्छा एक बात बताइए भैया, 100 रुपए की सदस्यता शुल्क तो अभी आई है, ये तो हमारे कार्यकारिणी महोदय बाद में बनाए गए हैं, उनकी चाहत थी कि 100 रुपए की हो, और उन्होंने दबाव बना, मैंने क्या कहा, जो आदमी अपने से निर्णय ले सके उससे ज्यादा, मतलब कहने का आप इशारा समझ रहे हैं। चलिए मैं लास्ट करना चाहूंगा, बिल्कुल करिए आप, क्योंकि ज्यादा लंबा खींचेगा, अंधेरा भी हो गया है, अंधेरा हो गया, मुझे भी मालूम है कि मैंने जो शब्द कहा है जिस चीजों को इस्तेमाल किया आप काटेंगे मेरी बातों को, कुछ नहीं काटेंगे, इंटरव्यू में एक शब्द नहीं कटेंगे, लेकिन ये जरूर है कि हाँ, लेकिन अभी एक बात और बताना, जब कुमार अध्यक्ष नहीं बनेंगे, आपने एक जगह कहीं पे एक इंटरव्यू लिया था, पूछा कुमार जी के बारे में, भाई वहां थे तो मैं बताना ये भी चाहता हूँ कि मैं जब चौधरी साहब के साथ था तो मैं था, ठीक, हटाया नहीं गया था, हाँ बिल्कुल, मैं टीपी सिंह के साथ जब था तब भी मैं हटाया नहीं गया था, मैं अपने से हटने के लिए बोले था, ठीक, और जो एक मिनट सुनिए, और आज भी वो अपने कर्म से उनकी गलतियों से, मैंने अभी सब कुछ बताया है, लोग उन पे थू कर रहे हैं, मेरे ऊपर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिनने ये बात कही कि वो हर जगह से हटाए जाते हैं उनके लिए सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आपने उनसे सवाल किया था कि अध्यक्ष लड़ेंगे, तो कैश पाठशाला के रूल्स आपके पास है, उसमें लिखा हुआ है ग्रेजुएट होना चाहिए। अच्छा वो ग्रेजुएट नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इस पर सवाल उठा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ कैश पाठशाला रूल्स में है कि ग्रेजुएट होना चाहिए। अच्छा चलिए इलेक्शन लड़े हैं, देखेंगे उसमें क्या है। अच्छा बहरहाल नेताजी आप हमको ये बताइए कि ठीक है ऐसा सब होता रहता है जी, क्या कुमार अध्यक्ष बनेंगे, सवाल यही है, अगर कुमार अध्यक्ष नहीं बनेंगे तो किस स्वार्थ में क्यों जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए अध्यक्ष बनेंगे या राजनीति में आगे हम क्या होंगे इस समय और वक्त बताता है, नहीं 2029 में चुनाव होगा, मैं कह रहा हूँ चुनाव लड़ेंगे, आज चौधरी साहब के साथ है, 2029 में टकराव होने का है, अगर ये चुनाव ये इनका अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ चला गया 6 महीने के अंदर चुनाव होगा, 29 मई का है होगा। अच्छा मतलब अविश्वास अगर पास हुआ 6 महीने इलेक्शन होगा, 6 महीने में,
और एक बात आपको और बता दे, बहुत बढ़िया, ढेर सारे सदस्य बन ही जाएंगे। अविश्वास अगर हो गया तो सबका सदस्य जीरो, जो बने हैं वो थोड़ी जीरो होंगे, नए नहीं बनेंगे, लेकिन जो बन चुके हैं। फिर वही कहा, रूल्स के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप बहस कर ले जाते हैं। कितने साल का? एक सेकेंड, नए सदस्य जो बनते हैं पहले कार्यकारिणी में पास होता है, उसके बाद गवर्निंग काउंसिल जो 27 तारीख को है, जब पास होंगे तो वो अप्रूव हो जाएगा, वो सदस्य वो अप्रूव होंगे। और अगर 20 तारीख को इनकी सत्ता चली जाती है तो 27 की बैठक ही नहीं होगी, अप्रूव ही नहीं होंगे। इसलिए करके नियम कानून पहले पढ़ लीजिए। इतना गणित आपने सिखा दिया, इसके पीछे ऊर्जा कहां से मिली आपको? अरे मैं तो कहता हूँ कि सलाहकार अच्छा रखो भाई। अब सलाहकार जो है कब्जा करने लगे तो क्या करेगा, क्या कहें हम। हर आदमी को अपना बचाना होता है ना, बचा ले। अच्छा चलिए, आप डॉक्टर सुशील सिन्हा से कुछ अपील कर दीजिए कि सिन्हा जी क्या करना चाहिए उनको। हम काम तो कर रहे हैं, उन्होंने कहा है बहुत ढेर सारे काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं जरा बताइए मुझको तो। अरे भाई वो डायग्नोसिस बताई दिया, अस्पताल बताई दिया, एक सेकंड, शिवपुर की जमीन को उन्होंने सील करवाई दिया, लखनऊ में उन्होंने मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन कर ही दिया। अरे भैया भाई 6 महीना हुआ, काटे जा रहे हैं डॉक्टर सिन्हा। अब आप बताओ 10 महीना हुआ, पहली चीज शिवपुर में कहीं कुछ नहीं रुका, जाके पता कर लीजिए। डायग्नोसिस सेंटर सिर्फ कैश पाठशाला का पैसा बर्बाद होगा, क्योंकि डॉक्टर मंडल ने करी रिपोर्ट नहीं मानेगी, प्लस जो सिस्टम होता है वो ये दे नहीं सकते हैं, तो वो लागू नहीं हो पाएगा। नंबर दो, तीसरी चीज, विश्वविद्यालय का उद्घाटन सिर्फ कीता कटा है, कुछ और नहीं है वहां पे अभी, और वो भी जमीन भी काफी विवादित है। विधवा पेंशन बढ़ा दिया, एक सेकेंड, विधवा पेंशन जब इनपे बहुत दबाव बना, इन्होंने 2000 कहा था, 2000 करो ना अपने हिसाब से, जो कहा था पैसा, पैसा हर जगह तो लुटा रहे हो, हर जगह तुम पैसे बेभाव पेमेंट कर रहे हो। मैं मेरे पास रिकॉर्ड से सारे, तो भैया विधवाओं को ही तुम्हें उनकी बद्दुआ मत लो भाई। और आपने क्या बताया, क्या बना? अरे सड़कें बनी हैं, सड़कें तो नीति से बनी है, पैसा जो है वो पास करा रहे हैं, वो जो बकाया था सीवर टैक्स, हाउस टैक्स, प्लांट का जीएसटी का पता लगा, छापा पड़ गया, जीएसटी बेचारे जो है इतना करोड़ रुपया, क्या क्या डॉक्टर सिन्हा ने बताया था सब भाई? अरे सब वो अपने, अब हम क्या कह रहे हैं, अभी आप मुझसे ऐसे कीजिएगा ना तो मैं भी ऐसे करके बताने लगूंगा, ये हो गया, ये मेरे साथ है, मेरे साथ ये, अभी बताने लगूंगा आपको, 13 दर्जन गिना दूंगा। आप भी कहोगे बाप रे बड़ा हैरान परेशान आदमी है, लेकिन हकीकत बहुत कुछ अलग है। और जिस समय उस हकीकत में तक जाएंगे ना, आपको सब हवा हवा ही दिखेगा। तो सिन्हा मिलने लगे हैं सबसे, ये आरोप लगता था किसी से मिलते नहीं है, फोन नहीं उठाते थे, मिलते नहीं, आज जब ये स्थिति परिस्थिति मैंने पैदा कर दी तो मीटिंगें करते हैं, फोन उठाते हैं, नमस्कार करते हैं, तो कुमार नारायण पर भी आरोप लगाते हैं। एक सेकेंड, 10 महीना तुम्हें क्या कहते हैं, कौन सी सुप्तावस्था में चले गए थे, कौन सी प्रॉब्लम आ गई थी भाई? मुकदमे तब भी चल रहे थे, मुकदमे आज तो और सारे चल रहे हैं, और आप समस्याओं से घिरे चले जा रहे हैं, अब आपका समय आ गया? नहीं, ये उनकी एक वो थी कि सबसे दूर हो जाओ, दूर हो गए मतलब तो अपने मन से काम कर पाओगे। जब इनको समझ में आया कि अब हमारी मनमानी नहीं चलेगी, अरे तो भाजपा नेता है, मोदी से ज्ञान लिए होंगे, मोदी के प्रभावित होंगे, भाजपा नेता से एकदम नहीं, मोदी जी भी ऐसे करते हैं, मोदी जी अपने से जो ज्यादा प्रभावी दिखता है उसको किनारे करते हैं। गलत बात, ये गलत बात है। अगर इतने बड़े पद पर बैठे मोदी, अडवाणी जी को किनारे किए, जोशी जी को किनारे किए, खुद ये उन्होंने नहीं किया। अच्छा चलिए, बहरहाल मैं भाजपा की राजनीति पर बाद में बात करूंगा। आप अपील करने वाले सिन्हा जी को कुछ अपील करिए ताकि जो है मामला सॉल्व हो, कैसे हो सकता है यही बताइए। भाई देखिए, अब तो बहुत आगे मामला पहुंच चुका है, तमाम जगह दबाव मेरे पर बनवा रहे हैं। पहला निवेदन तो मेरा ये कि दबाव बनाना बंद कर दें, क्योंकि वापसी मेरी नहीं होनी है। अच्छा, दूसरी, जिस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूँ इस समय, कैश पाठशाला के 90% से ज्यादा लोग मेरे साथ खड़े हैं, और ऐसी स्थिति में होता है ना कि जब अविश्वास प्रस्ताव दिखता है कि अब नहीं मतलब हम बच पाएंगे, तो नेता समझदार वही होता है जो इस्तीफा देके भाग खड़ा हो।
चले अपनी इज्जत बचा ले, आपने अपनी इज्जत बचा ले, चले ठीक है, इस्तीफा दे दे, अपनी इज्जत बचा ले समाज में। नेताजी आप बार बार कह रहे सुशील सिन्हा इज्जत बचा ले, इज्जत बचा ले, इतने कॉन्फिडेंस में है, वो कॉन्फिडेंस पस आया, अब कहां से आया भगवान जाने। लेकिन अगर दो मिनट के लिए मान लेते हैं कि सुशील सिन्हा की कुर्सी बच जाती है, अभी स्वस्थ स्टॉल नहीं पास हो पाता है, तब क्या होगा, कुमार नारायण क्या करेंगे? तो आपको एक बात और बता दें कि जो एसडीएम कोर्ट में इनका मुकदमा चल रहा है, 7 तारीख की जो डेट लगी थी अभी, ये लगातार इसी बात पे इनके लोग, इनके वकील खड़े होकर कह रहे हैं मेंटेनेबल नहीं है। उस दिन जज ने डांट भी, तो एसडीएम साहब ने डांट भी दिया, ये मेंटेनेबल है, बहस करो, एक घंटे बहस हुई है, उन्होंने 15 तारीख की डेट दे दी है फिर से, 15 जी हाँ, और 20 के पहले वाला, हाँ, और कहा है इसमें पहली तलवार 15 को लटकी है, हाँ, कि 15 तारीख को इस पे आप बहस करके फाइनल कीजिए, अन्यथा मैं कोई ना कोई निर्णय दे दूंगा। अच्छा, तो 15 तारीख को ही ये निपट जाएंगे। अच्छा, चलिए भाई, आपका कॉन्फिडेंस है, आप हमारे साथ, मैं बोल रहा हूँ मेरा कॉन्फिडेंस बोलता है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे केपी ट्रस्ट के महापूर्व महासचिव और अभी निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार नारायण जी। कुमार नारायण जी ने कहा कि जो है वो डॉक्टर सुशील सिन्हा से वैचारिक मतभेदों की वजह से जो है अलग हुए हैं, और वे चाहते हैं कि डॉक्टर सुशील सिन्हा केपी ट्रस्ट अध्यक्ष पद से इस्तीफा दें, क्योंकि वे सही काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि अपना अपना नजरिया है, देखते हैं 20 तारीख को जो है कुमार नारायण ने गवर्निंग काउंसिल में, हाँ, कुमार नारायण ने अति आवश्यक गवर्निंग काउंसिल की बैठक बुलाई है, उस बैठक में देखा जाएगा कि क्या जो है अविश्वास प्रस्ताव पास होता है, उसके पहले जो है डॉक्टर केपी श्रीवास्तव या सुशील, सॉरी, उसके पहले जो है डॉक्टर सुशील सिन्हा ने कहा जाता है कि 40 नंबर रूल को जो अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित उसको रद्द करने की कोशिश किया था, लेकिन उसमें क्या है रूल है कि रद्द करने के पहले, कोई नियम रद्द करने के पहले या कोई नियम बदलने के पहले स्टैंडिंग कमेटी को जाता है, सेलेक्ट कमेटी को जाता है, और वो रूल रेगुलेशन जो सेलेक्ट कमेटी को गया है, सेलेक्ट कमेटी ने अभी रिपोर्ट नहीं दिया है, देखिए आगे क्या होता है। लेकिन कुमार नारायण के आत्मविश्वास को देखते हुए लग रहा है कि 20 तारीख को कुछ न कुछ होगा, लेकिन उसके पहले 15 तारीख को ही जो है केपी टेस्ट पर एसडीएम न्यायालय में जो है कुछ न कुछ जो है मैटर चलने की उम्मीद है। चलिए आगे भी हम आपको ऐसे अवगत कराते रहेंगे, देखते रहिए एमटी टॉक शो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।